चौदह मर्डर केस में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 27 साल की लड़की को उसके लिविंग पार्टनर ने किस बेरहमी से मारा और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इस मामले में अब मशहूर लेखक मनोज मुंतशिर ने भी अपने बयान के तौर पर कुछ पंक्तियां लिखी। मनोज मुंतशिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होके पहुंच जाए तो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। हैशटैग श्रद्धा बालकर। बता दें मनोज मुंतशिर अपनी राष्ट्रवादी छवि को लेकर मशहूर है, वो निरंतर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। बता दें आफ्ताब की मेहरोली फ्लैट का 300 रुपए का वाटर बिल आया है जबकि पड़ोसियों का बिल जीरो है। वजह यह है कि दिल्ली में 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर आफ्ताब ने इतना पानी खर्च कहां कर डाला। उधर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स, मर्डर वेपन और मोबाइल की तलाश में लगातार तीसरे दिन मेहरोली के जंगलों में छानबीन की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि 18 मई यानी मर्डर वाले दिन श्रद्धा और उसके बीच घरेलू खर्च को लेकर झगड़ा हुआ था। रोज रोज के खर्चे कौन देगा, इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद ही उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। वारदात के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए निकाले थे। ये खर्च उसने फ्रिज खरीदने से लेकर धारदार चाकू और कूड़ा फेंकने वाला बैग खरीदने के लिए किए थे। अभी के लिए इतना है। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए प्रदुभाषी के साथ।